बरनाला शहर की लाइफलाइन धनोला रोड जो शहर को मुख्य मार्गों से जोड़ती है, सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए मटेरियल की जांच के लिए आज चंडीगढ़ से विजिलेंस की टीम विशेष रूप में बरनाला से जांच के लिए आई। आपको बता दें कि यह वही सड़क है जिसको लेकर लोकसभा चुनावों में कांग्रेसी उम्मीदवार केवल ढिल्लो बार बार इस सड़क को बनाने का श्रेय खुद को देते थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिकायतकर्ता तीर्थ सिंह बिहला ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस सड़क को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया मटेरियल गुणवत्ता अनुसार सही नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि इस सड़क में इस्तेमाल किए गए घटिया मटेरियल की शिकायत उन्होंने पिछले साल ही कर दी थी। जब यह सड़क बनी थी उनकी शिकायत के बाद सड़क की लिपापोती भी की गई। उन्होंने बताया कि पिछले साल शिकायत करने के बाद भी दो बार शिकायत का रिमाइंडर भेजा गया, जिसके बाद आज विजिलेंस विभाग की टीम सड़क में इस्तेमाल किए गए मटेरियल की जांच के लिए आई है। जी सड़क है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन जी नहीं बनी है, तो मटीरियल जोड़ा है वो स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं बना। दूसरा जो शिकायत हुई उस तो बाद इन्होंने लिपापोती करी है, शिकायत पिछले साल की हुई है। शिकायत पिछले साल की हुई भी है। हाँ हाँ जी हाँ ठीक है। तो उस तो बाद फिर दो रिमाइंडर गए, फिर एक्शन होया है। अगली गल ये जोड़ा है मटीरियल की गल कहती है तो वो अनुसार ये सड़क नहीं है। अगली गल है भी ये सड़क की क्लासीफिकेशन होंगी है, असं हजे तो पूछना है ना तो कि क्लासीफिकेशन की सड़क है, यहाँ जो स्पेसीफिकेशन है वो ए ग्रेड है बी ग्रेड है सी ग्रेड है, वो अजय इन्होंने साडा हो कुछ नहीं। इस सड़क के जो जिम्मेदार इतने बंदे खड़े है उन मैं तो मतलब दूर रहना ना, लेकिन जो ये सड़क खड़े साथी मैं इतने भी आता रहा। उस तो पहला जो लंगूर इतने सेगा उदों भी यह सड़क का यही हाल सी, उदों भी इन्होंने वो सिर च मिट्टी पा के सड़क बनाए थे, दो बारी ये सड़क का यह हो। तो इस वास्ते हूँ यह है भी शिकायत हुई बी जी मतलब कि इतने माल सही नहीं पे शिकायत करती। वहीं इस मामले पर जांच करने आई विजिलेंस टीम के मुख्य एक्शन सुरिंदर कुमार ने बताया कि सड़क में इस्तेमाल किए गए मटेरियल के सैंपल लेकर लैब में भेजे जाएंगे, इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्यवाही की जाएगी। नहीं पता लगेगा, असि तो हाले तक तुहाडे सामने मेजरमेंट्स लईआं वा, सैंपल लिया है गया, इन्हां नूं रिकॉर्ड दे नाल कोरिलेट करांगे, सैंपल दा रिजल्ट आने तो बाद जो दा रिजल्ट आएगा जो इन्हां दी रिक्वायरमेंट सी उन्हें कंपेयर करने तो बाद ही इहदा अगे फाइनल कंक्लूड हो सकता है। इस स्टेज पर नहीं आप कुछ दस सकते, असं विजिलेंस ब्यूरो मोहाली तो आए हैं हेड ऑफिस तो, ठीक है ना जी। ये लोकल यूनिट साढ़े बरनाले होंगे जो पटियाले है, अलग अलग यूनिट्स है बरनाले वाले के असिस्टेंस के नाल असं इतने हम आप उन्होंने डायरेक्शन से हेड ऑफिस डायरेक्शन से आप इतने चैकिंग लिए आए हैं, टैक्नीकल चैकिंग है साड़ी प्योरली, असं अपनी टैक्नीकली सड़क का देख लेना की चीज़ मौके पर की है वा, ठीक है ना जी। मौके पर जो आप देखते पे है फिर रिकॉर्ड लैके तो नाले फिर इन्होंने जो बाद चो सैंपल लैके साढ़े लोकल यूनिट जो है लै जाएगा, ये लैबोरेटरी टेस्ट करवाने तो बाद सानू रिजल्ट भेज देंगे, तो उस तो बाद फाइनल रिपोर्ट असं बनावे टैक्नीकल रिपोर्ट बनावे और रिपोर्ट आप हेड ऑफिस दे देंगे, वो फिर एक एस एस पी पटियाले रिपोर्ट देंगे है वो फिर एज इंक्वायरी अफसर फिर अगर रिपोर्ट फाइनल बनेगी। कंचन टीवी के लिए बरनाले से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।